आप देख रहे हैं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज। एनसीआर और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर कस्बे में सरकार के प्रतिनिधि और कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं की और लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं गिनाई, जिनमें प्रमुख समस्या परिवहन की, कृषि की और स्थानीय समस्याएं गिनाई, जिन्हें हल करने का कैप्टन विकास गुप्ता ने आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। हम हैं मौजूद बिलासपुर कस्बे के मेन बाजार में सचिन गोयल वस्त्र विक्रेता की दुकान पर, जहां पहुंचे हैं कैप्टन विकास गुप्ता, जो अध्यक्ष हैं कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश के। बात करेंगे विकास गुप्ता जी से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में। हमारे यहाँ पर 500 बीघे का एक कृषि फॉर्म है, जो जहाँ पर खेती होती है उस पर यहाँ के लोग बार बार मांग करते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो। इसके अलावा परिवहन की भी समस्या है। बात करेंगे बिलासपुर के कृषि फॉर्म के बारे में, जहाँ इंडस्ट्री स्थापित हो सकती है, और मुख्यमंत्री को भी इसका पत्र दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी, जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई थी, तो जेवर एयरपोर्ट के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। तुरंत ही उसके लिए बिडिंग निकाली गई। बिडिंग में ज्यूरिक इंटरनेशनल करके एक कंपनी है, उसने बिड किया, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना काल की वजह से उस पर एग्रीमेंट पर साइन नहीं हो पा रहा है। 3 मार्च को मैं ज्यूरिक इंटरनेशनल के जो सीईओ थे, मैं उनसे लखनऊ में मिला था। वो आए हुए थे लखनऊ में अधिकारियों से मिलने, तो वहीं मैं भी उनसे मिला था। तो ऐसा लग रहा था कि तुरंत ही एग्रीमेंट साइन होने के बाद तुरंत इसमें कार्य चालू हो जाएगा, लेकिन अभी इस समय इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक लगी हुई है। तो अभी उनको 18 तारीख को, इसी जो 18 तारीख जो अभी निकली अगस्त को, कुआलालंपुर में उनको आना था हमारे यहाँ के अधिकारियों को, और उनको वहाँ से साइन होना था, और उसके बाद ही एग्रीमेंट साइन होने के बाद ही एयरपोर्ट का काम चालू होना था, लेकिन वो अभी शायद तारीख और कुछ बढ़ गई है। देखिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए अपना स्वतः अगर यहाँ पर एयरपोर्ट आ जाएगा, तो तुरंत ही बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगने के लिए अपने आप ही यहाँ पर अवसर बढ़ेंगे। कोई आपको बनाने के लिए इन्वाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग दूर दूर से यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आएंगे। जैसे ही एयरपोर्ट बनेगा, इस पूरे क्षेत्र का एक प्रदर्शन अपने आप स्वतः ही बदल जाएगा। कैप्टन साहब, किसानों से जुड़ी समस्या यूरिया की जी, हमारे और भाई साहब, हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे। देखिए, ऐसा है कि अभी आपने देखा होगा, कल योगी जी ने निर्णय लिया, तो हमारे जो देवेश चतुर्वेदी जी, जो हमारे प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने जो किसान के लिए, खेतों के लिए, बीजों के लिए और खाद के लिए शनिवार और रविवार को, जो अभी आजकल लॉकडाउन चल रहा है, उसके लिए छूट दे दी गई है। एक बहुत बड़ी बात है, और जितना भी खाद की उपलब्धता है वो धीमे धीमे सुनिश्चित की जा रही है, क्योंकि सप्लाई चेन है वो पूरी टूटी हुई है। एकदम लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, मजदूरों की समस्या आ रही हैं, लोडिंग की समस्या आ रही है, अनलोडिंग की समस्या आ रही है। तो धीमे धीमे उन समस्याओं से निजात पाकर उसको, व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, विकास की संभावनाएं बिलासपुर में बहुत हैं, पुराना है, अच्छे लोग हैं यहाँ के, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो विकास हुआ, उस विकास की जो रफ्तार है वो यहाँ बिलासपुर तक आके रुक सी गई है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर इस क्षेत्र में जो प्रस्तावित एयरपोर्ट है, जैसे ही वो एयरपोर्ट आ जाएगा, तो बिलासपुर, सिकंदराबाद, दादरी, धनकौर, ये एकदम आपको 2-3 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। मैं अभी इसी 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिला था, और मुख्यमंत्री जी से मेरी इसी विषय पर चर्चा भी हुई थी यहाँ के क्षेत्र की। थोड़ा सा समय क्या रहा कि उसी समय तुरंत ही चेतन चौहान जी के कि मृत्यु की खबर आ गई, तो थोड़ा सा माहौल वहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तित हो गया। तो मैं बड़े विस्तार से उनसे समय लेकर यहाँ के क्षेत्र की जो कानून और व्यवस्था की समस्या है, उसके विषय को मैं उनके पास लेके गया था। हालांकि मेरा उनसे, मैंने उनको बताया कि कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या है, कमिश्नरेट सिस्टम यहाँ पर, कमिश्नरेट प्रणाली यहाँ पर लागू की गई है, लेकिन अभी वो लागू पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। अभी 6 महीने ही हुए हैं, 15 तारीख को मुख्यमंत्री योगी जी ने उद्घाटन किया है। धीमे धीमे कमिश्नर प्रणाली की कुछ जटिलताएँ हैं, उन जटिलताओं को सुलझाकर जैसे ही ये प्रणाली पूरी लागू हो जाएगी, तो फिर कानून व्यवस्था में निश्चित रूप से बहुत बड़ा सुधार आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।